हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बूंदी का रायता। ये रायते की रेसिपी मैंने हलवाई स्टाइल में बनाई है और ये बहुत ही इजी है, घर पे भी हम इसे इजीली बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक बाउल में डालेंगे बूंदी। बूंदी यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है। अब बूंदी को हमें सोक करना है, इसलिए मैं यहाँ पे गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि बूंदी 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से सोक हो जाता है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है इससे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बूंदी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मूव करते हुए पानी में डिप कर देंगे और इसे एक तरफ साइड कर देते हैं। तब तक हम दही तैयार कर लेते हैं। अब एक बाउल में डालेंगे हम दही। तो यहाँ मैं 1 कप दही यूज़ कर रही हूँ, ये होममेड दही है। और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको फेंट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये थोड़ा सा लूज हो जाए। तो फ्रेंड्स, दही को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से फेंट लिया है। बट रायते का जो दही होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है, इसलिए मैं 1 कप पानी इसमें और ऐड कर रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए। और इसे मिक्स कर लेंगे ताकि दही और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड्स, रायते का दही यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च की जगह पे आप लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच ड्राई रोस्टेड जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने काला नमक डाला है। आप इसकी जगह सिंपल जो वाइट सॉल्ट होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि ये दही में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें सोक किया हुआ बूंदी डालेंगे। तो बूंदी को फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम लगा नहीं, पानी मैंने इसका अलग कर लिया है। पानी और बूंदी को अलग कर लेने के बाद ये देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड कर लेने के बाद अब लास्ट में इसमें धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। धनिया पत्ता ऑप्शनल है, कई लोगों को पसंद नहीं आता है, बट इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। और इन सबको आपस में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि बूंदी डालने के बाद आपका दही थोड़ा थिक हो गया है, तो आप इसमें और पानी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बूंदी रायता बनके तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, बस डेकोरेशन के लिए, ऐसा कुछ वो नहीं है। टेस्ट इससे बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हलवाई स्टाइल बहुत ही सिंपल तरीके से बूंदी रायता बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।